कक्षा 8 में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर राशि और अचर राशि, इसकी जानकारी आपको पहले भी दी जा चुकी है, फिर भी यहाँ पर वापस आपको बताते हैं। चर राशि, चर राशि का मतलब होता है ए से लेके जेड तक के सभी अक्षर, यानी ए बी सी डी के जितने भी अल्फाबेट हैं वो सब चर राशि कहलाते हैं। और अचर राशि यानी जीरो से लेकर अनंत तक की सभी अंक अचर राशि कहलाते हैं। यानी गिनती के जितने भी अंक हैं वो सब अचर राशि कहलाते हैं। और ए से जेड तक के सभी अल्फाबेट हैं वो सब चर राशि कहलाते हैं। और आगे है यहाँ पर रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का क्या अर्थ होता है कि जिसमें चर राशि की एक ही घात हो, यानी चर राशि जो है उस पर घात नहीं लगी हो, उसकी घात है वो एक ही होनी चाहिए। और इसमें दो पक्ष होने चाहिए, दायां पक्ष और बायां पक्ष, और बीच में बराबर यानी समता का निशान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक चर में रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें हमने आपको बताई, चर राशि, अचर राशि और समीकरण का अर्थ। समीकरण का मतलब ही उसमें बीच में बराबर का निशान, एक तरफ दायां पक्ष और एक तरफ बायां पक्ष। अब ये केवल इसमें जो नाम आए हैं, भाई चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, रैखिक समीकरण क्या होती है, इनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी। यहाँ पर जो समीकरण को हल करना है वो हम सीखेंगे 2.1 में, केवल पक्षांतरण विधि, जो सबसे सरल विधि है पक्षांतरण विधि। तो पक्षांतरण विधि से हम समीकरण को किस प्रकार से हल करेंगे, देखो जो प्रश्नावली 2.1 है उसके क्वेश्चन हम यहाँ पर हल करेंगे पक्षांतरण विधि के द्वारा। देखिए जैसे है x-2=7, ये हमारा प्रश्नावली 2.1 है उसका पहला क्वेश्चन, x-2=7। देखिए इसमें एक पक्ष दायां है, दूसरा बायां है और बीच में बराबर का निशान है, तो दो पक्ष हो गए। यहाँ पर जो चर राशि है x, उस पर घात नहीं लगी हुई है, एक ही घात है, जब एक घात होती है तो हम उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, और हम यहाँ पर रैखिक समीकरण का ही हल ज्ञात कर रहे हैं। तो अब इसका हल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अचर राशि है इसको हम इस पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे। तो जब भी पक्षांतरण करते हैं आपको ध्यान होना चाहिए जो निशान होता है उसका उल्टा निशान हो जाता है दूसरी साइड, यानी ये 7 तो इधर ही है, इसका पक्ष चेंज नहीं हुआ है, ये 2 है वो इधर जाएगा तो प्लस का 2, यानी x बराबर कितना हो गया 9, और यही इसका आंसर है। x यानी चर राशि है उसका मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मान हमने निकाल लिया 9। फिर इसी प्रकार से जैसे दूसरा क्वेश्चन है y+3=10, देखिए y+3=10 बहुत ही आसान है, 3 है इसका पक्षांतरण हम कर देंगे। कहने का मतलब है एक पक्ष में हम केवल चर राशि रखेंगे और दूसरे में अचर राशि रखेंगे, तो y=10 तो ये है ही, इस 3 का पक्षांतरण उधर किया, ये इधर प्लस में था, देखो दूसरी तरफ जब हमने पक्षांतरण किया तो माइनस में हो गया, तो y=10 में से 3 चले गए तो कितना आया 7, तो ये इसका आंसर हो गया y=7। इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6, t/5=10, t/5=10। देखिए यहाँ ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको x और y मिले, मैंने कहा a b c d के कितने भी अक्षर हैं वो सभी के सभी चर राशि हैं, तो यहाँ पर चर क्या है, t है। अब देखिए यहाँ 5 है ना, 5 ये कौन से में आ रहा है, भाग में आ रहा है, यहाँ पे भाग में आ रहा है, तो दूसरी तरफ जब हम पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो 10 × 5, तो टी बराबर कितना आया 50। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया। अभी एक क्वेश्चन आपको हल करके और बताते हैं, जैसे 3/7
क्वेश्चन है 12। एक्स बट्टा 3 प्लस 1 बराबर 7/15। जैसे मान लिया ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो यहाँ पर जो अचर राशि है वो सबसे पहले 1 है। देखो चर वाली को अभी नहीं करेंगे हम, पहले अचर राशि है उसका पक्षांतरण दूसरी साइड करेंगे। तो x बट्टा 3 बराबर 7/15 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। x बट्टा 3 बराबर, इधर हमने लघुत्तम लिया तो 15, तो यहाँ पर आ गया 7 और माइनस 15 एकम 15। यहाँ पर x बट्टा 3, यहाँ 15 में से 7 चले गए तो कितने बचे, माइनस के 8, 8/15। अभी क्या करना है आपको, तो x का मान निकालना है, तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो 3 देखो इधर भाग में है, तो दूसरी तरफ जब पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 8/15 और यहाँ पर गुणा में 3। अब 3 और 15 देखो एक ही पाड़े से कट रहा है, 3 × 5 = 15। तो x का मान कितना आया, माइनस के 8/5, और यही हमारा इसका आंसर है।